शादी मायरे के लिए प्रचलित राजस्थान का नागौर जिला एक बार फिर से चर्चा में है। यह तीन किसान भाइयों ने अपनी वाणिज्यिक शादी में 3,21,00,000 रुपए खर्च किए। ये जब थाली में कैश लेकर पहुंचे तो सभी देखकर दंग रह गए। इतना इन्हें तीनों मामा ने मायरे में गिफ्ट के तौर पर गहने कपड़ों से अनाज तक ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी और अन्य सामान गिफ्ट दिए। मामला नागौर जिले के जाल क्षेत्र के जाड़ेली गांव का है। दरअसल गेवरी देवी और बावरलाल पोटलिया की बेटी अनुष्का कल बुधवार को शादी थी और इस दौरान अनुष्का के नाना बूढ़ी गांव निवासी बावरलाल गरवा के अपने 3 बेटे हरेंद्र रामेश्वर और राजेंद्र के साथ करोड़ों रुपए का मायरा लेकर यहाँ पहुंचे। पिता के सम्मान को देखकर एक बार के लिए गेवरी देवी और उनके परिवार की आंखों में आंसू आ गए। वही पिता कहने की परिवार की इकलौती बेटी है और इसी किस्मत से मेरे तीनों बेटों को इतना कुछ मिला है। शादी में नाना और तीनों मामा 21,00,000 रुपए कैश लेकर पहुंचे। अनुष्का का नाना खुद थाली सिर पर उठाकर शादी में पहुंचे और इस थाली में 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। यह गांव समाज के पंच पटलों के बीच 21,00,000 रुपए के अलावा 16.5 बीघा खेती के लिए जमीन नागौर रिंगोड पर करीब 30,00,000 रुपए कीमत का प्लॉट, इसके अलावा 41 तोला सोना और 3 किलो चांदी के गहने भी दिए गए। इसके अलावा मायरे में अनाज की बोरियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और अपनी दोहिती यानी दुल्हन के लिए एक स्कूटी भी गिफ्ट की गई। इतना कुछ देखकर वहाँ मौजूद लोगों में यह मायरा चर्चा का विषय बन गया। समाज और पंच पटोलों की मौजूदगी में ननियाल पक्ष की ओर से जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स बेटी के परिवार को दिए गए। इतना ही नहीं, भाइयों ने बहन को 500-500 रुपये नोटों से सजी हुई चुनरी भी उड़ाई। गेवरी देवी की बेटी अनुष्का की शादी 15 मार्च को डिंगसरी के कैलाश से हुई है और गेवरी देवी के ससुराल के भी सदस्यों को चांदी सिक्के भेंट किए गए। वही बता दें कि मारवाड़ में नागौर के मायरा कॉपी सम्मान दृष्टि से देखा जाता है।